जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे दे रहे हैं भाई, सर जी हैं, रोबोट थोड़ी हैं। आपकी बात सुने कि अपनी बात सुने कि मेहरारू की बात सुने कि मैनेजमेंट की बात सुने कि सर जी ना हो गए, रोबोट हो गए, क्या करें भाई। अब टेक्निकल चीजें, एक क्लास कट करके फिर दूसरी क्लास लगने में वो टाइम तो लगता ही लगता है ना, क्या किया जाए बताइए। ना बताओ तो भी समस्या, कहीं तो जीने दो यार, कहीं भी तो हमारे लिए भी गुंजाइश छोड़ दो। मुझे क्या समय लगता है कि क्लास अब लगी हुई थी, क्लास में वो भी जरूरी। अब मैथ्स का प्राइम टाइम आपका टाइम है 6 से 9, ये किसी भी क्या होता है, प्राइम टाइम होता है आपका। तो प्राइम टाइम मैथ्स का लगा तो सारे काम, प्रमोशनल काम भी इसी में होने होते हैं। तो भाई मजा लोगे तो सजा भी थोड़ी सी भुगतनी होगी मैथ्स वाले को, तो दोनों बातें होगी आपकी। तो जब प्राइम टाइम मैथ्स को दिया गया है, सबसे मेन समय दिया गया है, तो देखिए कुछ तो झेलना होगा, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी होता है आपका। चलिए स्टार्ट करें हम लोग जल्दी महाभोज का। भाई कुछ मेन्यू तो आपका थोड़ा सा लेट हो गया महाभोज में, ऐसे भी भारतीय है ही कि 8 बजे का कोई देगा तो फिर 9 बजे पहुंचते हो खाने के लिए, तो वही बात आज उल्टा हो गया। चलिए स्टार्ट करें थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करें, इसी में आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा। इसी में क्या आ जाएगा, जी हुजूर भाई बाप पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, तो महाभोज का मेन्यू देख लीजिए क्या क्या है आज। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या है आपका, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी आता था, तो वो तो अलग से डिस्कस हो गया। इसमें मेन आपका क्या होगा, मेन आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन पढ़ना पड़ता है आपको। मेन यहां क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और खास करके कैलकुलस के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो जाता है हमारा। चलिए तो जल्दी साहब इक्वेशन की पॉलिनोमियल की बात करें, तो पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे। 5 से 6 सवाल लगभग इससे पूछा ही पूछा जाता है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में हम कम से कम कर रहे हैं 5 सवाल, इनडायरेक्ट में तो कई सवालों में इसकी जरूरत आपको होगी। कायदे से कहें तो पूरा कैलकुलस ही इस पे बेस्ड होता है, कैलकुलस में तो सबसे ज्यादा जरूरत यह है ही आपका। चलिए तो पॉलिनोमियल पहले क्या होता है, बहुघातीय किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तब यहां हम पहले जाने पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन, अब इसमें हम पहले जानेंगे क्या पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुघातीय फलन क्या है हमारा। तो एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2 अप टू प्लस an इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें क्या होता है, एक घात होता है, जहां n क्या होना चाहिए, सबसे पहले होल नंबर होना चाहिए। यहां जो है क्या, n जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होना चाहिए आपका। और साथ ही साथ अगर बात करें a0, a1, a2 ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है, a0, a1, a2 ये सब क्या है हमारा, कांस्टेंट है हमारा, अचर राशियां हैं a0, a1, a2 up to an क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक, तो अब इसके डिग्री की बात करें, इसके घात की बात करें, तो घात क्या है हमारा, तो घात क्या है,
जो x का सबसे ज्यादा पावर होता है, x का जो सबसे ज्यादा पावर होगा हमारा, उसी को इसका क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर हमने a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा, क्योंकि अगर a नॉट यही अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तब तो सबसे ज्यादा पावर वाला n ना हो करके उससे आगे बढ़ जाएगा ना, n माइनस वन का हो सकता है, n माइनस टू का हो सकता है हमारा। तो a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो x पर पावर n वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो x पर पावर n वाला टर्म खत्म हो गया तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, कहानी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है कि अगर a नॉट जीरो के बराबर ना हो तब इसको हम क्या कहेंगे, n घात का बहुघातीय फलन कहेंगे, n घात का क्या कहेंगे, बहुघातीय फलन कहेंगे। अब इसमें क्या है, रियल भी हो सकता है, x की बात करें तो वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अगर x की जगह यहां कोई इमेजिनरी वेरिएबल आ गया, z ले देंगे कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आ जाएगा, ये वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आपका हो जाता। तो फिलहाल हम लोग यहां पे जो बात करेंगे वो केवल रियल के बारे में बात करेंगे, फिलहाल इमेजिनरी के बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल इमेजिनरी के बारे में बात नहीं की जाएगी आपकी, ठीक। तो इसकी अगर बात करें यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर, जैसे हमने क्या कहा कि एक्स पर पावर 5 है, 3x पर पावर 4 है, 2x क्यूब है, प्लस 8x स्क्वायर है, प्लस 3x प्लस 1 है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हो जाएगा, 5 घात का बहुघातीय फलन हो जाएगा हमारा। एफ ऑफ एक्स बराबर हम, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है, डिग्री क्या है, 5 है। इसकी बात करें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर बात की जाए 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 है हमारा, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर आगे बात करें हम, एफ ऑफ एक्स बराबर हमने लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर हम मान लो 7x प्लस 3 की बात करें तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम मान लो 10 की बात करें तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो है वो क्या है, 0 है, मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कहेंगे। तो इसी में है हमारा, तो इसको क्या कहते हैं, इस वाले की बात करें तो इसको बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी कहा जा सकता है, इसको क्या हम लीनियर भी कह सकते हैं, और इसको क्या कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, मतलब जीरो डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम अचर फलन भी कहते हैं, एक डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या, लीनियर यानी रेखीय फलन भी कहा जाता है, दो डिग्री वाले को क्या, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात फलन भी कह सकते हैं, तीन डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या, घन फलन भी कहते हैं, और चार डिग्री वाले को क्या, x पर पावर 7 माइनस 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो सबसे ज्यादा पावर हो। जैसे अगर हम ये कह दें, इसकी बात कर लें, चार से ज्यादा डिग्री वाले, चलो मिटा दें,
एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम ये कह दें कि x पर पावर 10 प्लस एक्स प्लस 2 है, तो अगर 10 से स्टार्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि 9 वाला होना ही चाहिए, 8 वाला होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस में ही रहे हमारा, ठीक है। 10 है मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 ही कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा पावर है वही उसका डिग्री होगा। अब हमारा क्या है, 10 वाला कोई जरूरी नहीं, 9 वाला भी रहे, 8 वाला भी रहे, 7 वाला भी रहे, 6 वाला भी रहे, ठीक। हम सीधे कहते हैं x पर पावर 20 माइनस 1 कहते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20 घात का बहुघातीय फलन हो जाएगा हमारा। क्लियर है सबका? हाँ, सीरीज कंप्लीट हो गई है भाई, सीरीज का आपको संडे को प्रैक्टिस भी करा दिया था, कुछ प्रैक्टिस और बाद में कराएंगे, जब एक बार थोड़ा सा हो जाए प्रैक्टिस और भी होगा, प्रैक्टिस का कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, प्रैक्टिस तो भी कई स्तर पे चलेगा, जितना टाइम मिलेगा उतना प्रैक्टिस आपका होगा, ठीक। ये क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है? ए एक्स पर पावर 0 एक कॉन्स्टेंट फंक्शन 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट पावर कॉन्स्टेंट है तो वो क्या होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। लॉग एक्स की कोई डिग्री नहीं है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, डिग्री हमेशा बहुघातीय फलन का ही होता है, पॉलिनोमियल का ही डिग्री होता है और किसी का डिग्री नहीं होगा। एक्स पर पावर खाली 20 रहेगा तब भी वो 20 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा भाई, तब भी वो 20 डिग्री का ही पॉलिनोमियल कहलाएगा। चल, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात थी। अब यहां पे क्या, अब यही एफ ऑफ एक्स बराबर 0 है, ए भैया सीरीज में जितना था जो थोड़ा बहुत एक लॉग सीरीज वाला क्लास में नहीं कराया था, संडे को प्रैक्टिस करते समय लॉग वाले का बता तो दिया था, प्रैक्टिस भी तो कर दिया था, ये आप बताइए ना कि क्या बाकी है। अब यहां हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं तब मार सीरीज का रट्टा लगाए हुए हैं, तो धैर्य रख भाई, प्रैक्टिस का कोई लिमिट तो है नहीं। हाँ ये चीज नहीं बताया आपने सर, तब बात करिए फिर, लॉग वाइज सीरीज बता दिए थे संडे को, संडे को जब प्रैक्टिस प्रश्नों की फुहार थी तो प्रश्नों की फुहार में लॉग वाले सीरीज का बता दिए थे, पूरी क्लास देखते या तो संडे को क्लास से गोला मार दिए थे आप, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपका कमेंट आ रहा है, इट मींस आपने संडे की क्लास को गोला मारा था, ठीक। गोला मारेंगे तो डांट सुनने का भी आपको अधिकार है, नहीं हुई थी वर्षिप बता रहे हैं कि नहीं हुई थी, अरे बिल्कुल हुई थी, अब हम का सबूत भेजे कि दिल चीर के दिखाए तेरा ही नाम होगा। पूरा जब करते हैं तो रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही सुबह सुबह किसी दिन न्यूज में आएगा कि हां आज एग्जाम है तो हाथ पांव फूल जाएंगे। नहीं, निगेटिव वाली डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होती, वो रेशनल फंक्शन में आता है, वो परिमेय फलन में आता है। अगर हम ये कह दें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स पर पावर माइनस 2 + 3 कह दिया जाए, या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3√x + 7 कह दिया जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है आपका, ये हमारा क्या है, रेशनल फंक्शन है, ये परिमेय फलन है, रूट आ गया तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय फलन आ जाएगा, इरेशनल फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इरेशनल फंक्शन में, ये परिमेय फलन है और ये क्या है, अपरिमेय फलन है। अगर x पर एक भी पावर में, अगर x के एक भी पावर में, एक भी टर्म में पावर फ्रैक्शन आ गया यानी भिन्न आ गया या माइनस में चला गया हमारा, तो वो बहुघातीय फलन में नहीं माना जाता है, उसको बहुघातीय फलन हम नहीं कहते। एलजेब्रिक फंक्शन तो है, बीजीय फलन तो है हमारा, लेकिन वो बहुघातीय फलन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सबका कि अभी भी सुन, डिग्री ऑफ जीरो भैया ये हो गया कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 3, तो 3 को एक्स पर पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ना, 3 को, तो इसमें हाईएस्ट पावर तो यही है हमारा, तो 0 डिग्री का ही पॉलिनोमियल हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन को ही 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। समझा तो दिया भाई, और कैसे समझाएंगे,
बता तो रहे जीरो डिग्री, जीरो भी तो होल नंबर है, हमने होल नंबर एन बोला था, पावर में होल नंबर नेगेटिव लेने से मना किया था, फ्रैक्शन लेने से मना किया था, जीरो तो ले ही सकते हैं। चलिए अगले के, यहां फिलहाल हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा जा रहा है हमारा। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो ले लेते, ये भी जीरो डिग्री का ही पॉलिनोमियल कहलाता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस में, अब खुदे बेचारा नंगा तो नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा का हमारा। ठीक, तो हमने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म जीरो ना हो, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म ए नॉट में और भी टर्म थे, यहां तो बेचारा एक ही ठो है, ये है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको भी हम क्या जीरो डिग्री का ही पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जीरो डिग्री का ही इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इरेशनल फंक्शन का कोई डिग्री नहीं होता महेंद्र बाबू जी, इरेशनल फंक्शन का कोई डिग्री नहीं होता है, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल का होता है, ध्यान रखिएगा। यहां तो कम फंसाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूर फंसा देता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अक्सर डिग्री का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है और अक्सर लोग उसको गोड़ के भी आते हैं, अक्सर उसको गोड़ पे ही गोड़ के भी आते हैं। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, डिग्री उसका अनडिफाइंड, अब लॉग का कह दे डिग्री अनडिफाइंड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कह दे तो डिग्री उसका क्या कहेंगे, अनडिफाइंड करेंगे, उसका घात जो है वो परिभाषित नहीं होता है। तो यही अगर एफ ऑफ एक्स बराबर हमने क्या लिया, ए नॉट एक्स पर पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू एन, अगर इसी को हम जीरो के बराबर कर दें, अगर इसी को हम जीरो के बराबर कर दें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ना हो करके अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा, बहुघातीय समीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुघातीय समीकरण हो जाएगा। अगर a नॉट a वन a टू ये सब के सब रियल कांस्टेंट हैं तो ये रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा हमारा। ठीक, और अगर a नॉट a वन a टू ये सब में से कोई इमेजिनरी भी आ सकता है कांस्टेंट में, वन प्लस टू आई, टू माइनस थ्री भी आई आ जाएगा, तो वो नॉन रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, अवास्तविक, आपका क्या अवास्तविक पॉलिनोमियल, मतलब क्या बहुघाती है हमारा। तो अवास्तविक वाले की बात तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, यहां हम लोग क्या पढ़ना है, रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जैसे हम कह दें कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, तो ये तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्या है, द्विघात फलन है, लेकिन इसी को जीरो के बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्वि क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस यही अंतर, मतलब y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन है, यही y का मान जीरो लिख देंगे, जीरो बराबर एफ ऑफ एक्स, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। तो फलन और समीकरण में क्या अंतर है, ये क्लियर है, y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखा रहा तो फंक्शन है, y की जगह जीरो कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण हमेशा पॉलिनोमियल नहीं ना, लॉगरिदमिक इक्वेशन भी होता है, अभी दो दिन पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी पढ़ा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है, इक्वेशन तो कैसा भी बन सकता है ना हमारा, अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है हमारा तब उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे हम। इतनी बात आई समझ में, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे करें, आगे चलेंगे, जल्दी से एक बार बताइए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारा फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रियल रियल कांस्टेंट वाला पढ़ रहे हैं, रियल पॉलिनोमियल की बात चल रही है। फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल पॉलिनोमियल के इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब क्या,
वास्तविक बहुघातीय फलन, तो वास्तविक बहुघातीय फलन में जितने भी x हैं, x जितने भी टर्म हैं, सबके कॉफिशियंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हमारे रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इमेजिनरी वाला नहीं है, आई वाला, आयोटा वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं। आयोटा वाले की बात हम लोग कहां करेंगे, कहां पे होगा वो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है हमारा। एफ ऑफ जेड बराबर हमने लिख दिया ये जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड माइनस वन बराबर जीरो, जहां जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल पॉलिनोमियल ना हो करके ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा। शुभम सिंह, एग्जाम कब तक है भैया, 6 बजे से तो प्रभु वही बता रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, अब बच्चे की जान लोगे क्या, उसी चक्कर में तो क्लास लेट हो गई, एग्जाम कब होगा, अब फिर मुद्दा घुमा फिरा के वही एग्जाम कब होगा। जब बाबा का मन होगा तब कराएंगे, और क्या कराएंगे, हाँ वो सम्मिश्र समीकरण हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए, बराबर जीरो कर दिया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा ना, बराबर जीरो नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा हमारा, और क्या होगा। बड़ी समस्या है यार, एग्जाम। तो रियल पॉलिनोमियल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करें रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, ठीक है, रूट क्या होता है आपका, तो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक। मतलब x, यहां x के फॉर्म में हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो x का वह मान, x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, x का वह मान जो दिए गए फलन को संतुष्ट करे, फलन कह रहे हैं समीकरण को संतुष्ट करे, वही उसका क्या कहलाएगा, मूल। जैसे हमने x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो लिया, इसको हल एक रखेंगे तो भी जीरो आएगा, 6 रखेंगे तो भी जीरो आएगा, तो 1 और 6 इसका क्या आएगा, रूट आएगा, 1 और 6 क्या आएगा, इसका रूट आएगा हमारा। फिर यहां अगर हम बात करें क्या, ये एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बराबर जीरो कर दें, तो x बराबर 0, 1 और 2, x बराबर 0, 1 और 2, ये तीनों वैल्यू, 0 रखेंगे तो भी आएगा, सेटिस्फाई करेगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 तब भी 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 ये करेंगे तब भी 0 आएगा, तो ये सारे के सारे इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे। चल, ये सभी के सभी इसके क्या होंगे, मूल होंगे हमारे, चलिए ये बात आपका समझ में आ गया होगा, यहां पे रूट्स क्या होता है, तो x का जो मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे वो सभी मान उसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है, नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन नॉट मोर देन देयर डिग्री, ठीक है, नॉट मोर देन देयर, हाँ जीरो और रूट यहां एक ही होता भाई, एक्स का जो मान उसको जीरो बना दे, वही नंबर ऑफ जीरोस का है, या नंबर ऑफ रूट्स की बात करें वही बात हो जाएगी आपकी, यहां पे फिलहाल वही बात, हाँ बीएल मौर्या मैथ्स एंड ठीक नहीं एकदम, यहां पॉलिनोमियल के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है हमारा, एक्स का जो मान पर उसको जीरो बना देगा वही उसका रूट्स कहलाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें या नंबर ऑफ रूट्स की बात करें वही बात होगी आपकी, ठीक है। अरे वही रूट्स को ही नंबर ऑफ जीरोस भी कहते हैं, एक्स का जिस मान के लिए पॉलिनोमियल जीरो बन गया वो उसका रूट्स कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, रूट कहला जाएगा।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी बहुघातीय समीकरण के मूलों की संख्या उसके घात से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है हमारा, लेकिन उससे ज्यादा अगर क्वाड्रेटिक की कुछ, जैसे हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो क्वाड्रेटिक है, तो इसका रूट एक और दो हो जाएगा, ठीक। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का मान दो ही तो आएगा, एक्स का मान केवल दो आएगा, दो से ज्यादा तो आएगा नहीं हमारा, दो से ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, तो कम हो सकता है, द्विघात समीकरण का एक मूल भी तो हो सकता है, जैसे यह भी द्विघात समीकरण है, इसका कितना है, एक ही मूल है, हम क्या कहते हैं एक ही मूल दोबारा आ रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या होगा, कभी भी जैसे द्विघात समीकरण है तो उसका तीन मूल नहीं हो सकता, उसका चार मूल नहीं हो सकता, जितना भी होगा अधिक से अधिक अपने घात के बराबर होगा, घात से ज्यादा कभी मूलों की संख्या नहीं हो सकती है। क्लियर है, समझ में आई बात या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। इसका भी कहेंगे दो रूट है, लेकिन कहेंगे बस खाली कहने भर को दो रूट है, दोनों मूल क्या है, बराबर है, दो दो ही दोनों आएगा, रिपीटेड रूट्स है। तो अगर मान लीजिए कोई 10 डिग्री का बहुघातीय है, उसके आठ ही रूट हैं, इसका मतलब क्या, या तो कोई एक रूट तीन बार आया होगा या दो रूट दो दो बार आया होगा, ठीक है, दो रूट क्या है। तो अगर डिग्री से कम रूट्स है, इसका मतलब रूट्स का रिपीटेशन हो रहा है, कोई ना कोई मूल दोहरा रहा है हमारा, कोई ना मूल क्या होगा, दोहराएगा हमारा, इतनी बात, ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक। अब इसको ध्यान में रखेंगे एक चीज, क्या नोट में, इफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री, एन डिग्री हैज मोर देन वन रूट्स, मोर देन एन रूट्स, मोर देन एन रूट्स, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर किसी समीकरण के n घात का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, और उसके n से ज्यादा मूल हो जाए, n से ज्यादा मूल हो जाए, इसका मतलब फिर वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा, सर्वसमिका होगा। अगर दो घात का समीकरण है, कह दिया उसके तीन मूल हैं, तो फिर तीन ना होगा, वो तीन पे ना रुकेगा, फिर उसकी बत्ती लग जाती है, फिर सीधे कहेगा हम अनंत होंगे, फिर क्या कहेगा, अनंत ही होंगे हमारे, हिंदी में ही तो बता रहे हैं भाई, और कैसे वेदराज जी बता रहे हैं इसको हिंदी में, तो कह रहे हैं यदि किसी n घात वाले बहुघातीय में मूलों की संख्या n से ज्यादा हो जाए तो उस बहुघातीय को हम क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे, वो आइडेंटिटी हो जाएगा, वो इक्वेशन नहीं कहेगा, वो इक्वेशन नहीं रहता है हमारा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, जैसे द्विघात समीकरण कह दिया, अब द्विघात समीकरण के मूल क्या कह दिया कि दो से ज्यादा है, तीन मूल है हमारे, क्या है, तीन मूल है, तो तीन मूल है तो फिर तीन नहीं होगा, तीन मतलब क्या होगा, अनंत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। जैसे अगर हमने कहा कि इफ इक्वेशन ए एक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स, ठीक, और प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो, आर अल्फा बीटा गामा, आर अल्फा बीटा गामा, देन क्या हो जाएगा हमारा, देन पूछ लिया फर्स्ट ऑप्शन क्या, ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा दे दिया ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी,
तीसरा दे दिया हमारा a बराबर b नॉट इक्वल टू b बराबर c, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, चौथा दे दिया क्या नन ऑफ दिस। अब ये द्विघात समीकरण है, अब द्विघात समीकरण है कह रहा है कि इसके तीन मूल है अल्फा बीटा गामा और तीन मूल है हमारा। तो भैया द्विघात समीकरण है तो तीन मूल कैसे हो जाएगा भाई, तीन मूल है इसका मतलब तीन पे ना जाएगा, फिर मामला अनंत पे जाएगा। तो क्या होगा a बराबर ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो अगर तीनों बराबर हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो बराबर क्या जीरो। अब जितना मर्जी है x का मान रखो ना भाई, वो जीरो आएगा ही आएगा, जितना मर्जी है उतना रखो आप। अब तो यहां कोई रिस्ट्रिक्शन, सारे कॉफिशियंट जीरो आ गए, तो x का मान एक भी संतुष्ट करेगा, दो भी करेगा, दस भी करेगा, आम इमली कटहल सब संतुष्ट करेगा इसको, इसको कोई आपत्ति नहीं, सब आ जाओ भाई सब आ जाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। तो ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि समीकरण दो डिग्री का था और मूल क्या कह दिया था तीन ठो है, तो द्विघात समीकरण का तीन मूल है ये नहीं है, और अगर तीन मूल है तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है, फिर वो क्या है सर्वसमीका है, वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या है फर्क है, समझ में आए सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, क्लियर है सबका। अरे कुछ ना होता भाई, वही होता है, काहे परेशान हो। क्लियर है सबका कि डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है। ई का दिए भाई, यही एग्जाम्पल है, और कौन सा एग्जाम्पल दे दें। हाँ जभी तो, तभी तो होगा हमारा वो। अब यहां रूट्स की बात करें तो हमने क्या बोला, n डिग्री का रूट है, क्या है n डिग्री का रूट्स है हमारा, ठीक n डिग्री का रूट्स है, सॉरी n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि सारे रूट्स रियल ही होंगे, रूट्स रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, रूट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, मूल काल्पनिक भी हो सकते हैं मतलब अवास्तविक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। सारे n मूल तो होगा हमारा, डिग्री ज्यादा मूल नहीं हो सकता, ये बात तो सत्य है, लेकिन सारे मूल वास्तविक हो ये जरूरी नहीं होता है, मूल कुछ वास्तविक भी हो सकता है और कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, सब मिला के जो मूलों की संख्या होगी वो n के बराबर होगी। तो कितने वास्तविक ज्यादा ज्यादा हो सकते, अरे कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कितना बार तो बता चुके हैं और कितनी बार बताएं, एक ही सवाल एकदम मार, एकदम मिल गया है तो मार टाइप पे टाइप, टाइप पर टाइप किए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं। दिनेश कुमार जी सुनना नहीं है, बस खाली कमेंट पे कमेंट लगाना है या तो इग्नोर करते चले, बड़ी परेशान है भाई। चलिए अगले की बात करें हम लोग, यहां पर क्या है हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ तो मैक्स डेकार्टे रूल क्या होता है, डेकार्टेस रूल ये क्या होता है हमारा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, रियल पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दें, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंजेस, चेंजेज ऑफ साइन, साइन
इन एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुघातीय समीकरण में हमारा जो अधिक से अधिक धनात्मक मूलों की संख्या हो सकती है वो किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार उसकी साइन चेंज होगा, जितनी बार उसका चिन्ह बदलेगा, अधिक से अधिक उतने ही, जैसे हम बात करें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तो हमारे पास श्रीधराचार्य का नियम है, तीन घात का समीकरण हो, चार घात का समीकरण हो, दस घात का समीकरण हो, तो उसका तो भी क्या होगा, दस घात का समीकरण है तो सॉल्व करने का केवल हमारे पास मेथड क्वाड्रेटिक का ही है, क्वाड्रेटिक से अगर ज्यादा का है तो उसको भी हम क्वाड्रेटिक बना करके ही सॉल्व कर सकते हैं, उसका कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का, पांच डिग्री वाले का, मतलब पेंटिक इक्वेशन को उसको कहते हैं, छह डिग्री वाले का, सात डिग्री वाले का हमारा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका क्या कोई मेथड नहीं है, श्रीधराचार्य केवल द्विघात वाले में लगता है, तो बाकी सब जुगाड़ से ही हल होता है, तो आपका 10 डिग्री का समीकरण देकर के ये नहीं पूछेगा कि दसों मूल बताओ भाई क्या क्या होगा, उसकी जरूरत क्या होगा हमारा, ये सारी चीजें, तो वहां क्या आपसे पूछा जाता है, इतना बता दे भैया ज्यादा ज्यादा कितना धनात्मक मूल होगा, ज्यादा ज्यादा कितना ऋणात्मक मूल होगा, या ज्यादा ज्यादा अधिक से अधिक कितना वास्तविक मूल होगा, या कम से कम कितना इमेजिनरी मूल होगा हमारा, मतलब काल्पनिक मूल होगा, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है। अरे अशोक मारे कोई ऑथेंटिक तीन डिग्री वाले का देंगे तो आप बोले क्या क्वाड्रेटिक बना करके ही करते हैं, क्वाड्रेटिक बना जब बोल रहे हैं तो सुनिए ना बात भाई, हमको भी आता किसके लिए क्या मेथड होता है, चार डिग्री वाले का भी होता दो, लेकिन घुमा फिरा करके उसको क्वाड्रेटिक ही बनाया जाता है। चलिए भाई बड़ी समय चले, जितना तो यहां क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में तो आपको क्या है, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार उसका साइन चेंज होगा, जितनी बार चिन्ह बदलेगा हमारा, ठीक है, उतने ही उसमें अधिकतम, एग्जैक्ट नहीं फिर करें, अधिकतम ज्यादा ज्यादा उतना धनात्मक हो सकता है, ठीक 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 कितना होगा उसका कोई मेथड नहीं होता, ज्यादा ज्यादा धनात्मक मूल यही होता है हमारा। चलिए तो जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा सवाल है, चलो जैसे हम कह दें क्या, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन ठीक, x^2 x^4 3x^4 3x³ + 8x² - 7x + 1 = 0 ठीक। अब इसमें कुछ रहा, अधिकतम कितने धनात्मक मूलों की संख्या हो सकती है, धनात्मक मूलों की संख्या कितनी हो सकती है ये अगर हमें पूछना है, तो क्या हो जाएगा, यहां एफ ऑफ एक्स जो दिया है कितना, 2x^7 3x^-2x^4 3x³ + 8x² - 7x + 1 ठीक। तब यहां साइन देखेंगे कितनी बार बदला, साइन देखा जाएगा कितनी बार बदला, ये प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, माइनस है, और ये प्लस है, तो कितनी बार बदला, प्लस 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 से माइनस ये पहली बार, माइनस से प्लस दूसरी बार, फिर प्लस से माइनस तीसरी बार, और माइनस से प्लस फिर चौथी बार हमारा, तो कितनी बार, चार बार बदला है ना, कितनी बार है,
चार बार बदला है, तो इसमें आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक जो धनात्मक वास्तविक मूलों की संख्या, ठीक धनात्मक वास्तविक में ही देखा जाता है, इमेजिनरी वाले में तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो इसमें अधिकतम जो होगी वो धनात्मक वास्तविक मूलों की संख्या जो होगी वो चार होगी हमारी। ठीक है, क्लियर है सबका, चार बार बदला है तो चार होगा, चार बार बदला है तो चार होगा। अब यही कह दे कि निगेटिव कितना होगा, नेगेटिव कितना होगा, इसी में क्वेश्चन दे देता हमारा क्या, नेगेटिव कितना, तो नेगेटिव में हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, जहां जहां एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स कर दीजिए, जहां जहां एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स कर दीजिए, तो यहां माइनस एक्स करेंगे तो माइनस टू, माइनस थ्री एक्स पर पावर फाइव, माइनस टू एक्स पर पावर फोर, माइनस थ्री क्यूब एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन, जहां जहां इसको x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस, ये फाइव है तो ये भी माइनस, ये चार है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यूब वाले में माइनस, एक्स स्क्वायर वाले में कोई फर्क नहीं, x की जगह माइनस एक्स प्लस सेवन एक्स हमारा, तो यहां कितनी बार साइन बदला, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस 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 हमारा, ठीक, तो यहां पर कितना दो बार साइन बदला है, दो बार बदला, तीन बार बदला है जी, चार है, ज्यादा ज्यादा दो हो सकता है, निगेटिव में ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये वाला भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस किया तो प्लस, ये ठीक, तो कितनी बार, दो बार बदला है, तो दो बार है तो अधिकतम ज्यादा ज्यादा जो होगा हमारा कितना, दो निगेटिव रियल रूट्स, ज्यादा एक बार दो बार तीन बार चार बार, यहां दो ही बार बदला है। चले चले पहले इसको लिख देते हैं, इसको रहने दीजिए, अभी लिख देते हैं तब फिर बताते हैं समझाते हैं, ये अगर बात करें दूसरा पॉइंट पहले लिख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स इन पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x is equal to 0 is equal to changes of sign in f of minus x हमारा, ठीक, चेक करना बता तो दे दें, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन करें हम, ठीक, तो यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन बदलेगा वो ज्यादा ज्यादा धनात्मक मूलों वास्तविक मूलों की संख्या होगी, और एफ ऑफ माइनस एक्स में जितनी बार बदलेगा हमारा साइन वो क्या होगा, उसके ऋणात्मक मूलों की संख्या। तो पिछला वाला सवाल हमारा क्या था, ये सवाल था, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स ये दिया था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब कर रहे थे तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस टू एक्स, ये भी हो जाएगा, यही यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस सेवन एक्स हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो कितनी बार, केवल एक बार ही तो चिन्ह बदला है, केवल क्या है, एक ही बार चिन्ह बदला है, तो मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स जो है वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब इस बहु सात डिग्री का बहुघातीय था, सो सात डिग्री में, ठीक, सात डिग्री में ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो चार धनात्मक मूल होगा, और ज्यादा से ज्यादा जो होगा एक ऋणात्मक मूल होगा, तो पांच हो गया, टोटल कितना है सात, अरे एक ही तो किए भाई, टोटल एक ही बार तो किए, हम वहां पर पूरा थ्योरी लिखे थे कहां, ठीक, एक बार बोल रहे, तो यहां एक हमारा क्या होगा नेगेटिव, और चार क्या होगा पॉजिटिव, तो पांच तो हो गया, इसका मतलब बाकी कैठो बच गया, दूठो तो गायब है ना, दूठो क्या है, गायब है हमारा, ठीक, तो दूठो गायब है, तो बाकी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या,
मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स जो आएगा, इमेजिनरी रूट्स वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ रूट्स माइनस क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। हमने क्या पॉजिटिव वाला पता कर लिया, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ज्यादा कितना हमारा वास्तविक मूल होगा ये तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, डिग्री देख करके तो हम क्या बता सकते हैं टोटल रूट्स कितना था, तो टोटल में से मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स घटा देंगे तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। मतलब इस 7 डिग्री का जो हम समीकरण लिए थे उसमें कम से कम 2 मूल जो आएगा वो काल्पनिक आएगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। समथिंग रॉन्ग, हाँ भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कुछ गलती हुआ तो तबे तो दूठ आ रहा था। क्लियर है सबका, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी एक बार बताते जाइए तब फिर आगे चलें। बाकी बचे कॉम्प्लेक्स रूट, वही इमेजिनरी रूट्स है हमारा। अच्छा एक बार और करा देते हैं। ये हमारा कह दिया, कोई अब पॉलिनोमियल दे दिया, x^8, 3x^4 +2x^2 +5x+1 = 0। अब इसका पूछ लिया कितने धनात्मक मूल हैं और कितने ऋणात्मक मूल हैं हमारे, कितने धनात्मक हैं और कितने ऋणात्मक हैं हमारे। यहां पर f(x) की बात करेगा तो x^8 है, 3x^4 है, 2x² है, 5x+1 है, तो प्लस सब के सब प्लस में है। मतलब कोई रियल रूट, कोई पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं होगा, नो पॉजिटिव रियल रूट्स, कोई भी इसमें पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं होगा। अब f(-x) कर दें तो x^8 +3x^4 +2x² -5x+1, तो प्लस माइनस प्लस, तो कई बार साइन बदला, 2 बार साइन बदला ना, ठीक नहीं भैया 3 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस हमारा, ठीक है। तो आपका यहां क्या हो जाएगा, अब 2 बार साइन बदला है, इसमें f(-x) में 2 बार साइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स जो हो जाएगा वो कितना, 2 हो जाएगा, ठीक। एक भी धनात्मक मूल नहीं होगा, ज्यादा 2 ऋणात्मक मूल होगा, तो बाकी कितना बच गया, 6, तो कम से कम 6 इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, यानी इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा हमारा। अब क्लियर है सबका कि अभी भी दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, अब क्लियर है सबका या कोई डाउट है। कोई पॉजिटिव रियल रूट्स एक भी नहीं आया, निगेटिव वाला 2 आया है, तो बाकी 6 जो हो गया वो इमेजिनरी हो गया हमारा। अरे 2 बार बदला ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस से माइनस यहां, अब फिर माइनस से प्लस है, तो एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हुआ, तो 2 बार बदला ना हमारा भाई, पॉजिटिव नहीं होगा एक भी। एक बार f(x) में 1 बार भी साइन नहीं बदला, तो एक भी पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं होगा हमारा। अरे सूरज भैया देखा ना भाई, देखल ना, मैं तो फिर 2 बार कैसे, अरे 2 बार ऐसे, पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, और कैसे बताई, 2 बार सुनते नहीं माने, कमेंट ना लो तब वो कहते हैं कमेंट ना देखते हैं, गुरुजी हमारे कमेंट ना देखा लेकर। हाँ पॉजिटिव 0, नेगेटिव मैक्सिमम 2,
मैक्सिमम, यहां बात करें एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा है, यहां मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है, यहां क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है। अब इसमें क्या होगा, एक और कॉन्सेप्ट यहां हमेशा पूछता है, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका कि अगर इफ इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हमारा क्या एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, अरे नाराज कहां हो रहे हैं भैया, अब इसको कहते हैं ऐसे ही कहता अंगली करके कह, नाराज तो नहीं हो गए सर, नाराज हो गए क्या सर, तो फिर एक आध कमेंट मार दिए, अच्छा इस बार नहीं हुए नाराज क्या, अच्छा फिर एक कमेंट मार रहे हैं, अब तो नाराज नहीं हो गए सर, अरे नहीं सर अब लगता है आप नाराज हो गए हैं सर, ठीक है अब लगता है, तो वही हाल आप लोग करते हैं। हाँ सर्वेश पटेल जी बड़ी नाराजगी से लेना, धन्यवाद सर्वेश जी, इतना मेरे नाराजगी का आप ख्याल रख रहे हो, ठीक। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, देन देन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज, ठीक, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑड नंबर ऑफ, सॉरी जीरो ज्यादा है ना, हैज जीरो और इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, रियल रूट्स मतलब क्या होता है, बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो है हमारा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो का, एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो का हमेशा या तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, और कोई अगर वास्तविक मूल होगा भी तो हमेशा इवन नंबर में होगा, दो वास्तविक मूल हो जाए, चार वास्तविक मूल हो जाए, छह हो जाए, आठ हो जाए हमारा, ठीक, कभी भी तीन वास्तविक मूल नहीं हो सकता है, ए से बी के बीच में तीन वास्तविक मूल नहीं, पांच वास्तविक मूल नहीं, क्या या तो एक भी वास्तविक मूल नहीं होगा, और होगा भी तो हमेशा सम संख्या में होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा सम संख्या में ही हो सकता है, विषम संख्या में नहीं, क्योंकि कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा, तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है मेरे भाई, तो मूल क्या, बार बार कोई पूछ रहा गुरु जी शून्यांक का रूट बराबर बाका, गुरु जी शून्यांक जीरो और रूट्स बराबर बाका, यहां समझी दोनों बराबर बाकी ना बा, ठीक, यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होता है ग्राफिकली भी चेक किया जाता है, ग्राफिकली भी चेक किया जाता है हमारा, कैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी बता दें, थोड़ी सी जरूरत इसमें भी पड़ गई, क्या होता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू, इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ y is equal to f of x with x axis, with x axis, ठीक, y बराबर f of x करेंगे तो एक फंक्शन होगा, y बराबर f of x करेंगे तो क्या होगा एक फंक्शन होगा हमारा, और f of x बराबर जीरो कर देंगे तो क्या होगा इक्वेशन हो जाएगा, तो कोई भी y बराबर f of x, y बराबर f of x हमारा क्या है, y बराबर f of x
जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार एक्स अक्ष से मिलेगा, दोनों का मिलन होगा, उतने ही उसके वास्तविक मूलों की संख्या होगी। ठीक, मूल तो तभी होगा, मिलेगा ना, जब हम मिलन होगा। बिना मूलन मिलन के मूल जड़ मूल कहां हो जाएगा? बिना मूल का तो जड़ मूल सब समाप्त हो जाता है हमारा। ठीक, यहां जिंदगी भी यही बताता है। हम बार बार बोलते हैं मैथ्स हमेशा जीवन जीने का तरीका, तो मूल चाहिए तो मिलन तो करना ही पड़ेगा, बिना मिलन के तो हो नहीं सकता हमारा। तो वही बात यहां भी है, एफ ऑफ एक्स जितनी बार एक्स अक्ष से मिलेगा जाकर के, उतना उस समीकरण का मूल बनेगा। जैसे अगर हम ग्राफ हम बना रहे हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरह से बन रहा, ऐसे बन रहा, तो एक्स एक्सिस से कितनी बार, एक, ये वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री रियल रूट्स, थ्री रियल रूट्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, थ्री रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आई बात, क्लियर है? तो जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा हमारा, उतना ही हाँ दोनों में आता है, टीजीटी मैथ का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, बाइलिंगुअल आता है। ठीक है, चलिए यहां ये अगर कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरह से बना, मान लीजिए ऐसे बन गया ग्राफ हमारा किसी फंक्शन का, तो एक यहां कहीं कभी एक्स अक्ष से मिलन हो ही नहीं रहा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा हमारा, कोई भी वास्तविक मूल इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये बात या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, समझ में आ गया? तो y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जितनी जगह भी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा हमारा, समीकरण एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो के वास्तविक मूलों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक, तो वही बात अब इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट पे, यहां ये कह रहे हैं क्या, इसके वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट था, हम क्या कह रहे थे कि अगर f of a into f of b greater than 0 है, तो f of a into f of b greater than 0 कब हो सकता है, जब f of a भी पॉजिटिव है, f of b भी पॉजिटिव। मान लो a यहां पर है और b यहां पे है, तो अगर यहां प्लस से शुरू करें या तो फिर ऊपर ही जाकर के प्लस होगा, तो अगर फिर ऊपर जाकर के प्लस हो रहा है, ठीक, ऊपर जाके प्लस हो रहा, तो एक बार बेटा नीचे आ गया तो ऊपर जाने के लिए एक बार ऊपर से नीचे आते समय एक्स अक्ष को काटेगा, अब फिर एक बार नीचे से ऊपर जाएंगे तब एक्स अक्ष को काटेगा हमारा, तो कै रूट मिला, एक दो तीन चार मिला कि नहीं, पूरा ग्राफ ही अगर हमारा ऊपर ऊपर ही हो ए और बी के बीच में, या पूरा ग्राफ हमारा क्या हो नीचे नीचे मान लीजिए बन रहा है, ठीक, तो ए और बी पे दोनों नेगेटिव आएगा, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होगा, और जीरो ज्यादा है तो दोनों या तो प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा, तो अगर ए पर हम प्लस से शुरू करेंगे बी पे फिर प्लस पे जाना, तो अगर एक बार नीचे चला गया तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, मतलब कम से कम वो दो बार तो एक्स अक्ष को काटेगा ही, या तो एक बार भी ना काटे, या तो दो बार काटेगा, या तो चार बार काटेगा, या तो छह बार काटेगा, या तो आठ बार काटेगा हमारा। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर क्या है कि मूलों की संख्या या तो एक भी वास्तविक मूल नहीं होगा, या तो फिर सम संख्या में होगा, विषम संख्या में कभी नहीं हो सकता है, विषम संख्या में कभी नहीं हो सकता है। ए भैया मौर्या सर जी, यहां चांद बिजुरिया के कार्यक्रम ना चलतवाना हो। ठीक, x बराबर एफ ऑफ वाई में बताइए, हम फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो x बराबर एफ ऑफ वाई में क्या बता दें हम उसको। ठीक, ऐसा ऐसा एकदम सवाल करते हैं, एकदम पूछो जो मन में आया वो पूछ डालो, गुरु जी से फिर पूछा, गुरु जी समझा क्या पूछा था। अब इसी में पांचवा केस क्या, कि इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर लेस देन जीरो है, ठीक,
एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर क्या है लेस देन जीरो है हमारा। नहीं, ग्राफ हमने बनाया नहीं, बस एक एग्जाम्पल लिया, ठीक। अभी किसी पार्टिकुलर फंक्शन को हमने नहीं लिया, बस यहां एक आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया कि ऐसा वहां सोचने, आप जब लेक्चर खत्म हो जाए तो एक दो बार खुद सोचिएगा क्या लिखा हुआ, क्या ग्राफ बना हुआ है हमारा, ठीक। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जीरो हो, देन एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बिटवीन ए टू बी। पिछले वाले में ए टू बी लिखे थे कि नहीं? हाँ ठीक, लिखा था बिटवीन ए टू बी। अब अगर ए पर एफ ऑफ एक्स का मान और बी पर एफ ऑफ एक्स मान, ठीक। ए भैया, ठीक, तो अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तो वहां क्या होगा, रिपीटेशन वाला केस आएगा भैया। जब जीरो के बराबर आ जाए तो वहां क्या होगा, रूट रिपीट करेगा ना मेरे भाई, ठीक। तो अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या है, लेस देन जीरो है। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या है हमारा, लेस देन जीरो है। तो उस केस में एफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का ए से बी के बीच में कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, कम से कम एक, या फिर क्या कह सकते हैं, और odd number of real roots आ जाएगा हमारा। मतलब या तो एक होगा, या तो तीन होगा, या तो पांच होगा, या तो सात होगा, a से b के बीच में कम से कम इसका क्या होगा, एक तो होगा ही होगा। मतलब सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स a से b के बीच में नहीं आ सकते हैं। ए से बी के बीच में सभी के सभी रूट्स इमेजिनरी नहीं आएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब अगर बनाएंगे ए यहां है और बी यहां है, तो ए अगर प्लस है और बी माइनस है, तो प्लस से माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी निगेटिव कब आ सकता है, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक प्लस में है और एक माइनस में हो हमारा, तो ए पे प्लस हो जाए बी पे माइनस हो जाए, या बी पे माइनस, ऐसे हो सकता है, इधर उल्टा कर सकते हैं, बी पे माइनस और ए बी है, यहां ए है, तो बी पे ऊपर जाएगा, ए पे माइनस जाएगा, नीचे जा रहा, तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो बीच में जीरो तो होगा ही होगा ना, बीच में जीरो तो जाएगा ही जाएगा, बिना काटे प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में तो जा नहीं सकता हमारा, तो कम से कम एक तो होगा ही होगा। फिर एक हो सकता है, तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, सात हो सकता है, लेकिन एक भी रियल रूट्स ना हो ये कभी पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। अब समझ गए साहब, चलिए किसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, मैथ्स भी सरब जीत जी, सर एक्स एक्सिस को टच करेगा तब क्या बनेगा, तो हाँ देखिए रूट्स क्या होगा, वहां रिपीटेड रूट्स बनेंगे, यहां क्या है नंबर, अगर ऐसे आप बना दे रहे हो तो क्वाड्रेटिक है, तो हमारा क्या होगा, उस केस में क्वाड्रेटिक ही तो हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक में ये थोड़ी कहते हैं एक रूट है, दो रूट मिल रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा, तो वहां क्या होगा, रूट रिपीटेड होता है, वहां क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन की बात आ जाती है, वहां बिना रिपीट किए हुए ऐसा नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर लिया हमने, तो इसका जब ग्राफ बना रहे हो तो ये ग्राफ बनेगा ना, ये टच करता जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे एक रख दें और तीन रख दें, दोनों पे होगा, यहां पर ये नहीं मिल रहा कि दो रूट तो मिला है और दोनों का दोनों रियल मिला है, दोनों का दोनों क्या मिला, रियल मिला है, लेकिन वो अलग बात है कि रूट रिपीट कर गया है, रूट क्या कर गया है, रिपीट कर गया है हमारा, दे तो दिया एग्जाम्पल भाई, और कैसे। अरे भैया इमेजिनरी का बता दें भैया, तीन ठो रियल, एक सात डिग्री का एक ठो रियल मिल गया तो छह ठो इमेजिनरी आ जाएगा, और क्या है, रियल मिल गया तो इमेजिनरी तो हो ही जाएगा ना।
सी एस राजा राजा सर जी मेरा कमेंट शो हो रहा है, एकदम धूमधाम से शो हो रहा भाई। ठीक, तो रिपीटेड रूट्स अगर टच कर रहा मतलब क्या, रिपीटेड रूट्स हो जाता है। सर ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ग्राफ कभी बनाने नहीं आता, ये थ्योरी में आपको अब रियल रूट्स निकालने में मदद करता है आपको। बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम तुरंत लगने वाला सवाल होता है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना होता है आपको, तुरंत लगने वाला सवाल होता है। रहने दे रहे हैं, बस करें, चलिए थक गए पढ़ करके, मार एकदम डंडा पे डंडा कर दिया, आजो ना पढ़ाएंगे का गुरुजी, आजो ना पढ़ाएंगे। अरे रोजे तो पढ़ाते हैं भाई, कल मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। ठीक, मुझे लगा बारिश एकदम, जहां हम स्टूडियो है वहां बाढ़ में तैर के जाना पड़ता है, तो हमें लगा कहीं डूब जाए तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, इसलिए डेढ़ दो घंटा पढ़ा करके निकल गए थे। सर बीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएम का फुल फॉर्म होता है बेस्ट मैथमेटिशियन। ठीक, बड़े मास्टर भारद्वाज सर, बीएम सर, बीएम भारद्वाज का मतलब बड़े मास्टर भारद्वाज सर। ठीक, और कुछ जानना है जल्दी मारिए, और कुछ जानना है? बस कर दिया भाई। ठीक, चलिए तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, थक गए तो चलिए अब ऐसे में रारू, हमको भी घर से ना भगाए दे तो हम भी चले जाएं अब घर, पढ़ाइए गुरुजी। हाँ भैया, तू तो घर में रजाई था, अपना आराम से बैठा लो या, हम तो 5 किलोमीटर दूर बानी। ठीक, पढ़ाइए गुरुजी, पढ़ाइए रात भर। चलिए पंचायत खत्म हो गया तो कल, अब कल कराएंगे, बाकी अभी बहुत आपके लिए 2-3 पॉइंट ना, मेरे लिए अभी इसमें बहुत सारा पॉइंट बचा है, मेरे लिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। नहीं, वो भी उसका रूट्स कहलाएगा भाई। अरे इमेजिनरी मतलब आई वाला हो गया, इमेजिनरी मतलब क्या, जिसमें आयोटा लग जाए वो इमेजिनरी रूट्स हो गया हमारा। चलिए तो जय हिंद जय भारत, बाकी पंचायत कल। Mm-hmm.